गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 27 जून 2020। तो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमी में नया हुआ और क्या हमारी अर्थव्यवस्था, स्पोर्ट्स, इन सब में नया हुआ है। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मेंस की सीरीज़ मेरे चैनल पर चलाई जा रही है, तो उसके लिए मेरे चैनल को एक बार विज़िट करना ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें। और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों की मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। इसके अलावा जीके की सीरीज़ चलाई जा रही है, आज का इतिहास की सीरीज़ चलाई जा रही है, डेली मेंस का एक वीडियो होता है, प्लस करंट अफेयर। तो बहुत सारी सीरीज़ आप लोगों के काम की मेरे चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए, हो सकते हैं आपके वैल्यू की कोई वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इन पर बहुत ज़्यादा जो इन्होंने दवा निकाली थी तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा है, तो ये प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र सरकार ने। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ने ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल दवा का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किया गया था या नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की जो महिला क्रिकेटर हैं क्लेयर कोरोनो मेरी जो वो हैं मैरिलोबिन क्रिकेट क्लब जिसे एमसीसी कहा जाता है कि 233 साल के इतिहास में कौन सी पहली अध्यक्ष होंगी। तो ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोनोर जो है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली अध्यक्ष होंगी और वह श्रीलंका के कुमार संगाकारा की जगह लेंगी। वे अगले वर्ष अक्टूबर में अपने कार्यभार को संभालेंगी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस समय कुमार संगाकारा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टेलीकॉम पाउडर से ओवरीन कैंसर होने पर कंपनी पर कितने बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना, और ये जुर्माना जुलाई 2018 में इस मामले के जुर्माने की राशि का 4.4 अरब डॉलर का आधा है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इनमें से किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा की है। तो ये की है सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं क्लास के 29 सब्जेक्ट के पेपर 1 और 15 जुलाई के बीच में होने थे। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के स्टूडेंट का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्ज़ाम के आधार पर होगा और सीबीएसई के बाद काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मतलब CISCE ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है अर्जुन अवार्ड। इन पर डोपिंग का आरोप लगा था बट ये मुक्त हो चुकी हैं उस आरोप से। अब संजीता चानू पर वर्ष 2018 के हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया। तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के विट्स विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका प्रयोग किया गया पहला, और दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के इस वैक्सीन का नाम OX1COV-19 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के बाद किस देश ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया है। तो ये किया है केन्या ने।
एशिया के बाद केन्या ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के अनुबंध को लेकर दायर याचिका के दौरान केन्या की अदालत ने इसे अवैध पाया। चीन ने केन्या के साथ रेलवे लाइन को लेकर 2017 में समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जोएल शुभाकर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे थे एक निर्देशक। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो हॉलीवुड अभिनेता जोएल शुमाकर का निधन हो गया है। जोएल शुमाकर की पहली फिल्म थी बैटमैन फॉरएवर। इसके अलावा उन्होंने द फैंटम ऑफ ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया, जिन्हें 3 ऑस्कर अवार्ड मिले। इसीलिए ये निर्देशक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कश्मीर में देविका पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देविका और पुनेजा जो ब्रिज हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं। तो आप याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।